हेलो, वेलकम इन एके स्टडी 1024। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 क्लास 9th के बारे में। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 13.2 जो है पूरी की पूरी बेस्ड है सिलेंडर पे, ठीक है, बेसिकली राइट सर्कुलर सिलेंडर पे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। देखिए, आप जो ये फिगर देख रहे हैं ये एक सिलेंडर की है और ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। कोई सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर कब होता है? जब देखिए यहाँ पर जो आप सर्कल देख रहे हैं उसका सेंटर और जो यहाँ पर आप सर्कल देख रहे हैं उसका सेंटर, अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ से एक एक्सिस जा रहा है, ठीक है, जो दोनों के सेंटर से पास करता है, तो ये एक्सिस इस एरिया पर भी 90 डिग्री बनाता हुआ जाएगा और इस एरिया के भी ये 90 डिग्री बनाता हुआ जाएगा, यानी इस एरिया का भी ये नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे सिलेंडर को हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसके अलावा भी सिलेंडर हो सकता है, ठीक है, जब इनमें से एक ये सर्कल जो हो तिरछा हो और वो 90 डिग्री ना बनाए तो उसको हम राइट सर्कुलर नहीं बोलेंगे। और हमारे जो सिलेबस में है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। देखिए, मैं जब भी सिलेंडर बोलूंगा तो उसका मतलब यही है कि मैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है उसकी बात हम यहां पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां मैं पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ सिलेंडर लिखूंगा, आप समझ जाना कि मैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की ही बात कर रहा हूं। देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? देखिए, कोई भी ऐसी फिगर जो बेस के साथ, ठीक है, जहां पर वो टिकी हुई है 90 डिग्री बनाती है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं इसकी रेडियस को आर बोलता हूं, ठीक है, स्मॉल आर जो है वो इसकी रेडियस है, और जो इसकी हाइट है उसे मैं एच मान लेता हूं, तो जो इसका बेस का एरिया होगा वो क्या होगा? देखिए, वो एक सर्कल है और सर्कल का एरिया आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, इनटू में क्या आएगा? हाइट। तो हाइट कितनी है? एच। तो यहां से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से हमें इसका वॉल्यूम मिल गया, वी फॉर वॉल्यूम, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो यहां से हमें सिलेंडर का वॉल्यूम मिल गया। अब बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की, ठीक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं यहां दोबारा बना लेता हूं एक सिलेंडर, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर है, और हाइट कितनी है? हाइट एच है। अगर मैं बात करूं इसके कर्व सरफेस एरिया की, सी एस ए मीन्स सी फॉर कर्व, एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इसका ये वाला एरिया जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ऐसे इसके पीछे भी, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है 2πRh, ठीक है, ठीक है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2πRh कैसे है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने इस सिलेंडर को यहां से काट दिया और इसको ऐसे खोल दिया तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, मान लीजिए ये वो सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी मैंने फिगर बनाई है, इसको अगर हम ऐसे बीच में से काट दें और खोल दें तो ये क्या बन जाएगा? ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, जैसा कि इसको ये बन गया, ठीक है। जब भी आप इसको दोबारा घुमाएंगे ऐसे तो ये क्या बन जाएगा? फिर से ये सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जो ये इसका सर्कल है उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो कैसे बन रही है? वो लंबाई जो है वो यही वाली है, ठीक है, कागज में उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा है अभी, लेकिन आप समझ जाओ कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर इसको ऐसे हम फोल्ड कर देते हैं तो ये जो है इसकी सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ये वाली है। सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr, यानी जो रेक्टेंगल था अगर मैं उसकी इसकी लेंथ बोलूं तो यही लेंथ क्या बना रही है? यही लेंथ इस सिलेंडर का सर्कमफ्रेंस बना रही है, यानी जो लेंथ है वही किसके बराबर है? 2πr के बराबर। और जो इसकी ब्रेथ है वो इसकी हाइट बना रही है, ठीक है, यानी जो इसकी ब्रेथ थी चौड़ाई रेक्टेंगल की वही क्या है? इसकी हाइट है, क्योंकि अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये जितना ऊंचा होगा वही इसकी एच होगी, और ये कितना बराबर है? ये बराबर है बी के, ठीक है, यानी कि जो बी है वो एच के बराबर है, एच भी यही है। आप जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है इसका एरिया कितना होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ किसके बराबर है? 2πr के, और बी किसके बराबर है? बी की वैल्यू है एच के बराबर, ठीक है, ये इक्वल टू का निशान है, तो ये 2πrh। तो इस तरह से हमें कर्व सर्फेस एरिया यही होता है, ठीक है, ऊपर के दोनों सर्कल का एरिया हम नहीं लेते हैं, तो कर्व सर्फेस एरिया हमारे पास कितना आता है? 2πrh। बात करें अगर हम टोटल सर्फेस एरिया की, तो टोटल सर्फेस एरिया आप कैसे निकालते हैं? टोटल सर्फेस एरिया किसी भी सिलेंडर का टोटल सर्फेस एरिया होता है सारा का सारा एरिया, यानी जो ये शेडेड रीजन है इसको तो आप लोगे ही, जो कि आया है 2πrh। इसके अलावा जो ऊपर एक सर्कल है, ठीक है, इसका भी एरिया आप लोगे,
ठीक है, और नीचे वाले का भी एरिया आप लोगे, यानी कि यहां पर एक सर्कल, यहां पर एक सर्कल, दो सर्कल हो गए, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 दोनों के पास है, 2 कॉमन आ जाएगा, पाई दोनों के पास है, आर यहां पर आर की पावर 1 है, यहाँ आर की पावर 2 है, तो छोटी पावर हम कॉमन लेते हैं, यानी आर यहां पर आएगा, यहां बच गया एच, और यहां पे सब कुछ बाहर ले चुके हैं, बस एक आर बचा हुआ है, तो यहाँ इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर h+r, आपको ये याद रखना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये सारा एरिया, और कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या था, कर्व सरफेस एरिया का मतलब था कि हम सर्कल का नहीं ले रहे हैं, बस ये जो मैंने शेड किया इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो ये था कर्व सरफेस एरिया, आपको ये भी याद रखना है, और वॉल्यूम क्या था इसका, वॉल्यूम था इसका पाई आर स्क्वायर एच, आपको ये भी याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा मैं अगली वीडियो से, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।